मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण पूर्व नांदेवली परिसर में द्वारिका इंग्लिश मीडियम स्कूल में करंट लगने से एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम राकेश ढोने 40 वर्ष बताया जा रहा है, जो पिछले 10 सालों से इसी स्कूल में सिपाही के पद पर तैनात था। बाल दिवस के मौके पर सभी अपने कामों में लगे हुए थे और कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, मगर सुबह 10 बजे के आसपास स्कूल के बेसमेंट में राकेश गया और वहां पानी जमा हुआ था, वहीं उसे करंट लग गया। जानकारी मिलते ही राकेश को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राकेश के दो बच्चे भी हैं, एक लड़की 9 वर्षीय वेदिका है और 5 वर्षीय विनायक। राकेश क्रिकेट खेलों में भी माहिर था, वो अपनी टीम का कप्तान था, मगर स्कूल में करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे परिसर में शोक का माहौल है और स्कूल की लापरवाही बताई जा रही है। नगर सेवक महेश गायकवाड़ ने क्या कहा है। ये जो राकेश ढोने जी है, ये युवक काफ़ी परिचित है, क्रीड़ा क्षेत्र में अच्छा नाम है उनका। ये जो दुखद घटना होने से पूरे परिसर में दुख का वातावरण परिसर में हो रहा है। कल्याण पूर्व में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हादसा हुआ है, ये एक्सीडेंट नहीं होके इसके लिए कोई तो जवाबदार है। ये लापरवाही की वजह से राकेश की मृत्यु हुई है, इसका मैं निश्चित करता हूँ। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं कहना चाहूँगा कि जिस जगह पे ये हादसा हुआ है, वहाँ का प्रशासन, स्कूल प्रशासन, वहाँ के संस्थापक, वहाँ के जो हमेशा जो वहाँ की देखरेख करते हैं, उनको मैं जवाबदार मानता हूँ। आपसे मांगे, उनकी मांगे, आपसे मांगे क्या रहेगी उनकी? अभी पुलिस प्रशासन से भी हमने निवेदन किया है कि वहाँ का, वहाँ जो ये घटना हुई है, वहाँ का ठीक से निवारण करें। वह पुलिस प्रशासन पे विश्वास है, वहाँ पे वो ठीक से कार्रवाई करे और न्याय दे, क्योंकि उनका परिवार है राकेश जी का, उनके दो बच्चे हैं, उनकी बीवी, उनका अच्छा बड़ा परिवार है और वो स्कूल में परमानेंट जॉब में है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, प्यून का क्या काम होना चाहिए और कौन से कामों के उसको निविदा देनी चाहिए। जिस तरह ये जो उनका, उनके साथ हादसा हुआ है, या हादसा नहीं बल्कि इसके लिए कोई तो जवाबदार है, इसकी मैं प्रशासन से मांग करूंगा, क्योंकि उनके परिवार को, हम सब मित्र परिवारों को न्याय की अपेक्षा है। करंट लगने से राकेश की मौत हो गई, मगर उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर किसकी लापरवाही से राकेश की मौत हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।